हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड पेट शॉप में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है खरगोश के नेल कटिंग कैसे करें। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि सर, अपने खरगोश की नेल कटिंग हम कैसे करें, क्या खरगोश की नेल कटिंग करनी चाहिए या नहीं, यदि करेंगे तो कैसे करेंगे। इन सारी समस्याओं पर आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और दोस्तों, आप हमारा रैबिट फॉर्म बहुत पिछले कई समय से देख रहे होंगे। बहुत अहम और खास जानकारियों के लिए जो वीडियोस हैं हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपके खरगोश संबंधित कोई भी समस्या है तो हमारे YouTube चैनल में जाकर उससे संबंधित वीडियोस देखें। तो दोस्तों, बात हो रही थी खरगोश के नेल कटिंग कैसे करें। तो बहुत सारे लोग हैं, बड़े सारे यूट्यूबर्स हैं, तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बना के डाले हैं कि ऐसे 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 करके खरगोश की नेल कटिंग करें। परंतु यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि खरगोश की जो नेल कटिंग है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे इसकी बात ही नहीं होती। देख, खरगोश को जब आप उठाते हैं, पकड़ते हैं, तो उसके नाखून आपके चुभते हैं। परंतु इसलिए लोग क्या करते हैं, उसके जो नेल है आगे की, जो उसमें चोन बन जाती है, उसको वहां पर वो लोग काट देते हैं। परंतु उससे होता क्या क्या समस्या होती है, जब खरगोश के नेल होते हैं जो आगे की नोक होती है वो कट जाती है, तब खरगोश अपने आप को खुजला नहीं पाता है। खरगोश के बालों के बीच जब खुजली होती है तो उसको वो अच्छी तरीके से खुजला नहीं पाता है, कटे हुए नाखून से ऐसे ऐसे करता है और काफी लंबे समय तक उसको खुजलाना पड़ता है, परंतु वो अच्छी तरीके से अपने आप को खुजला नहीं पाता। ये उसकी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। खरगोश अमूमन नहाता ही नहीं है, ना उसको नहलाया जाता है। तो अमूमन उसके शरीर में जो खुजली है वो लगा करती है, हल्का फुल्का डैंड्रफ बना करता है। यदि कोई जीवाणु कीटाणु उसके अंदर आ गया तो उसको भी अपने बारीक चोनदार नाखूनों से वो अंदर से निकाल लेता है। परंतु हम लोग जब उसके नाखून काट देते हैं तो खरगोश को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। देखिए, जब बच्चा छोटा होगा तो नाखून उसके छोटे होंगे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाएगा खरगोश के जो नाखून है वो छोटे बड़े होते चले जाएंगे। छोटे बच्चे के छोटे नाखून, बड़े बच्चे के बड़े नाखून। तो जैसे जैसे खरगोश की एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि उसके जो नाखून होते हैं वो और ज्यादा बढ़ते हैं, तो खरगोश के और बड़े बाल हो जाते हैं। जब उसको खुजलाने की ज्यादा जरूरत होती है तब उसके धीरे धीरे नाखून भी बढ़ने लगते हैं। तमाम सारे लोग हैं जो नेल कटर लाते हैं, ऐसे लाते हैं वैसे लाते करके नाखून काट के दिखाएंगे, खरगोश के नेल ऐसे ट्रिम करें, तो बिल्कुल गलत चीज है। खरगोश के नाखून कभी नहीं काटने चाहिए। हमारे रैबिट फार्म में 4 साल, 5 साल, 7 साल तक का रैबिट है, आज तक हमने कभी भी उसके नाखून नहीं काटे हैं और ना ही कभी नाखून काटने की जरूरत पड़ी है। खरगोश अपने आप खेलने दीजिए, दौड़ने दीजिए, भागने दीजिए, आप उसको अनावश्यक उठाएंगे, उसको पकड़ेंगे, तब उसके नाखून आपको लगेंगे तो आपको समस्या होगी, परंतु उसके बढ़े हुए नाखून से उसे कोई भी समस्या नहीं है। और यदि कुछ जो रेयर केस होते हैं उनमें खरगोश के जो नेल है वो काटने ही पड़ जाते हैं, तब आप कोई नया नेल कटर ले लीजिए, जैसे हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं उस नेल कटर से खरगोश के जो नाखून है बड़ी आसानी से एक बार में कट जाते हैं। नए नेल कटर का इस्तेमाल करिए, वो एक्सेप्शनल केस हो जाता है। कभी कभी कुछ रैबिट्स के बहुत ज्यादा नाखून बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में नाखून काटने पड़ते हैं, जब नाखून बढ़ के ऐसे टेढ़ा होने लगता है इस तरीके से, तब काटते हैं। अमूमन अभी तक 4 साल के अनुभव में हमारे पास कोई भी ऐसा रैबिट नहीं हुआ जिसके हमको नेल एक्स्ट्रा काटने पड़े हो या अलग से काटने पड़े। वो अपने आप खुजलाता है तो धीरे धीरे उसके जो नाखून है वो अपने आप घिस जाते हैं। यदि कोई डॉक्टर, कोई कंसल्टेंट या कोई भी यूट्यूबर आपसे कहता है अपने खरगोशों के जो नाखून है उसको ट्रिम कर दें, तो भैया वो बिल्कुल गलत चीज है। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि खरगोश के बड़े हुए नाखून उसको खुजली करने में सहायता देते हैं और आपको उठाने में समस्या होती है तो खरगोश उठाने के लिए नहीं बना है। उसको आजाद छोड़िए या अपने केज में रखिए, अपने आप सुरक्षित रहने दीजिए। तो दोस्तों, ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल रैबिट फार्मिंग एंड पेट शॉप्स के साथ। बहुत जल्दी आउटडोर वीडियोस भी आप लोगों के लिए लाएंगे, बहुत बेहतरीन खूबसूरत ब्लॉग बनाएंगे आप लोगों के साथ, उसे भी साझा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।